विशोद्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर अनुमोदन कर दिया तो उसी समय सत्यनाथी सद्धर्मम सारे पाप से मुक्त होकर के वो भगवत प्रेम भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप लोगों ने हर तरह से, और हम तो श्री यहाँ के सेवक लोग श्री रामचंद्र प्रभु को हम क्या बताएं, इनको तो गुरुदेव खूब इनके ऊपर कृपा करें, क्योंकि कभी कभी मैंने कथा की लेकिन इस बार जितने भक्त लोग आए ना, इस बार जितने भक्त लोग, क्यों, इनकी चेष्टा, ये सेमिनार करते हैं, बच्चों के लिए अच्छे से शिक्षा देते हैं और यहाँ पर और हर तरह से मंदिर को सुष्ट भाव में चलाते हैं ताकि इतने भक्त लोग यहाँ पर आके एकत्रित हुए। इसलिए रामचंद्र प्रभु आज मंदिर के जो कि महाराज सब शांत महाराज हरे कृष्ण प्रभु, इनको तो हम प्रार्थना करते गुरुदेव खूब इनके ऊपर कृपा बरसाए, तभी तो इतने भक्त लोग आकर कथा सुने। इसलिए आप जितने श्रोता लोग हैं आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आपको खूब भक्ति दे, प्रेम दे और खूब शांति से दे, आप लोग भी अपना लिए जोर जाकर। देखो देखो नियम है, कथा सुनने के बाद जो कथा सुनता है ना उसको कुछ देनी चाहिए, उनको भी कुछ प्रणाम देनी चाहिए, प्रणाम के बगैर ना कथा सुनने का फल ही नहीं मिलता है। इसलिए अभी मेरे को दिन देना पड़ेगा, कुछ क्या दोगे मेरे को आशीर्वाद, क्या दोगे ऊपर से नहीं हृदय से आशीर्वाद मेरे को दो, जैसे आप लोग सब पिता और माता हैं, इसलिए हृदय से मुझे आशीर्वाद दो, जैसे गुरु वैष्णव का सेवा जीवन भर गुरु वैष्णव की अनुभूति में गुरु वैष्णव की सेवा ठाकुर का सेवा कर पाऊं सारा जीवन, मेरे को आप लोग हाथ उठाकर हृदय से आशीर्वाद, ताली बजा कर हाथ उठाकर आशीर्वाद, ठीक है। इसलिए और जो हमारे जो जगदीश प्रभु अनुराधा दीदी के जो परिवार के लोग हैं सब यहाँ पर, उन्होंने अपना परिवार को भी उन्होंने यहाँ पर बुलवाया और बुला करके उनको भी उन्होंने उन लोगों को भी बहुत हर तरह से कथा में मदद की, इसलिए उनको सारे परिवार को के लिए मैं भी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी सबको शांति सुख दे और खूब फलते फूलते रहे और ये सब के सब भगवान की भजन करते रहे। इसलिए आप इनके परिवार वालों के लिए भी देखो ये भागवत कथा में जो रोज रोज चकाचक प्रसाद पाए है, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पाए, जिसने प्रसाद बनाया और जो हमारे जो माई वाले भैया यहाँ पर बैठे थे और इतने बड़े सुंदर, अगर हमारी आवाज और कितना दूर जाता, इसलिए आप प्रभु जी ये जो भागवत का जो सार है, जो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, रामचंद्र गुरु बोल रहे थे केवल रासलीला पर मैंने 2 साल कथा की विश्राम होना, एक कथा से समय में कि माता उत्तर क्या सुनी बहुत बता दो, उन्हें एक प्रिय रामचंद्र प्रभु आपको सटकट में ऐसे एक कथा सुनाएंगे जिन लोगों ने आधा लास्ट ना आए, इसलिए वो ऐसे की कथा सुनाएंगे जिसको सुनने पर आप तुम जो 7 दिन तक जो सुने नहीं सुने उसका फल मिल जाएगा। ऐसे एक सुंदर श्री रामचंद्र प्रभु आप कथा सुनाएगा भी श्री रामचंद्र प्रभु ज्ञान जयमनंदस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुरे गुणैश्च युक्तम परम वरेण्यम कृष्ण महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनायक नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। मंच आसीन भागवत कथा प्रवक्ता वेद हैं श्रील भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी और पूज्यपाद श्री नंदी स्वामी भक्ति विधान तीरथ महाराज जी पूज्यपाद शांत महाराज जी पूज्यपाद सार महाराज जी परमहंस महाराज जी और जो कुछ हैं यहाँ महाराज जी वो भी जो नहीं है सबके महाराज जी के चरणों में मैं दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णियों के तथा सुनने वालों के
चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ये सारी श्रीमद् भागवत कथा में मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, जब हमारे कथा व्यास श्रीधर महाराज जी ने कहा रामचंद्र जी के लिए तालियां बजाओ, वो वाला पोर्शन मुझे सबसे बढ़िया भागवत का हिस्सा था। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारी भागवत कथाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, टीवी में भी देखी होंगी, लाखों लाखों लोग आता है। कभी कहीं देखा कि जो बोलने वाला है, जिसे हम व्यास कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं, वो किसी और को भी कहे आइए और बोलिए और बोले उसके उसी की कथा में, कोई भी दूसरा आके बोलने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, इनका ये तो मेरे लिए कह रहे थे ना मिलनसार, इनका मिलनसारता देखिए कि खुद वेद व्यास हो के कथावाचक हो के खुद तो थोड़ा सा बोल रहे हैं और हम लोगों को बीच में ज्यादा बलवा रहे हैं। तीरथ महाराज जी खैर वो तो हमारे भागवत कथा के अग्रणीय हैं और मूल उन्होंने ही शुरू की, गुरु महाराज जी के साथ बैठकर उन्होंने कथा करनी शुरू की, तो खैर उनका तो बनता ही है अगर वो आए हैं तो बोले।